क्योंकि जितना हमें लगता है कि शूट करेंगे न्यू ईयर पे या क्रिसमस पे मोस्टली शूट होगा, एक दिन की छुट्टी मिलेगी तो उस दिन भी पार्टी हो जाएगी, बट फ्रेंड्स एंड फैमिलीज आज सब फ्रेंड्स सब लोग मिले हैं जिनके साथ पार्टी करने का मौका मिल रहा है, सो इट्स द बेस्ट थिंग। न्यू ईयर की रेजोल्यूशन ये है कि जो पहले तो बहुत अच्छा काम करना है, प्लस हमारे जो शोज चल रहे हैं उसमें और भी अच्छा काम करना है और शोज को आगे लेके जाना है, तो बेसिकली लाइफ का रेजोल्यूशन, लाइफ का रेजोल्यूशन है। तो आई होप अनुपमा, हमारा अनुपमा बड़े आगे प्रमोशन करेंगे हम अनुपमा की। हाँ शो को नंबर वन तो अभी आएगा दोबारा यार, फिर से आएगा, फिर से आएगा। 3 साल से नंबर वन है यार, थोड़ा बाकियों को कभी कभी मौका देना पड़ेगा कि नहीं, तो अभी टेंशन आ गया रहेगा ना, टेंशन नहीं आता यार, शेरों को टेंशन नहीं आता है। अरे यार बहुत अच्छा कर रहा है वो शो भी, बहुत बढ़िया है, सब चैनल वाले अपना ही परिवार है, तो पूरा अपना ही है, इमली भी अपना ही परिवार है, नंबर 2 पे है ये, शाउट आउट। ओके, क्या कहना चाहोगे आगे, क्या प्लानिंग है कुछ अगर आप बता सके, आगे कुछ अगर आप बता सके आगे की क्या प्लानिंग होने नए साल में, क्या लीव करने का इरादा है? बिल्कुल नए साल में तो यार अभी शूट ही करेंगे, सबसे पहले तो हमारे लिए शूट ही होता है, बट हाँ उसके अलावा भी थोड़ा घूमना फिरना भी है, इस बार काम थोड़ा ज़्यादा हो गया, थोड़े ट्रिप्स भी बनाएंगे, थोड़ा बाहर भी जाएंगे फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ। मेरा तो काम में अभी न्यू वेंचर्स करने का प्लान है, तो वेरिएशन लाइफ में लाने का प्लान है। थैंक यू। नहीं बट अनुपम वाले दो और भी है भाई। हाँ अनुपम वाले लौट आ जाओ, जाओ। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि अंदर पता नहीं क्या क्या होने वाला है, क्या क्या चीज़ें इन्जॉय करने में मिलेंगी, और अभी तो फिलहाल शूट से आए हैं तो थोड़े से थके हैं, पर आई एम श्योर कि अंदर जाने के बाद सारी थकान दूर होने वाली है। अंदर जाने के लिए तो फिलहाल मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, सो लेट्स सी अंदर कैसा होता है। फिलहाल तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मोहन के अंदर तुलसी आ चुकी है और सब डरे हुए हैं, राधा चाहती है कि बस तुलसी जी मोहन के बॉडी से निकल जाए और मोहन जी को आज़ाद कर दे, और अब देखते हैं क्या होता है आगे, तो प्लीज़ देखते रहिए हमारा शो प्यार का पहला नाम राधा मोहन, रात 8 बजे सिर्फ जी टीवी पर। थैंक यू, थैंक यू, मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। Thank you. Hello. Good, good. Waiting for you guys. Ma'am, क्या कहना चाहोगे? Reels काफी आप धमाकेदार डालती रहती हैं. Actually, आज मैं इसलिए आई हूँ. Holidays में भी रहते हैं आप. बहुत शार्प हो तुम, बालकनी का भी आप डालते रहते हैं. Always, always traveling. Oh yeah, I'm always traveling. एक्चुअली मेरा बर्थडे था तो मैं दुबई गई थी, एंड मैं काफ़ी टाइम से टीवी सर्किट से दूर हूँ, इसलिए आज मुझे आना था, सबसे मिलना था, जस्ट वांट टू मीट ऑल माय कलीग्स। और क्या है पार्टी, क्या करने वाले, मतलब आप तो हमेशा पार्टी करते हैं। वेल अरे मैं इवेंट्स थ्रो करती हूँ, ये गलत है, दैट्स अ वर्क, ये मेरा जॉब है, मैं इवेंट मैनेजमेंट करती हूँ, तो आई थ्रो पार्टीज। ओके, पार्टी में क्या करने वाले अंदर आप, मतलब आज वेल आई थिंक एज आई सेड मैं टीवी सर्किट से काफ़ी दूर हूँ, तो मैं सबको मिलने वाली हूँ, लुकिंग फॉरवर्ड, दैट्स माई फ्रेंड प्रिया, सो वी ऑल आर गोना मीट ऑल आर फ्रेंड्स। नहीं अभी तो सच में काफ़ी टाइम से मैं ट्रैवल कर रही थी तो मैं फॉलो नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन बीच में मैंने तेरे को बोला था सब मैंने फॉलो किया था। अरे बहुत हंगामा हो रहा है। ओह ये तो कैचअप करना पड़ेगा। हाँ वो मैंने इंस्टा पे देखा, बट आई हैव नॉट सीन द एपिसोड्स, एक बार देखेंगे, वी विल टॉक अबाउट इट। ठीक है, थैंक यू। हेलो जी,
मैं बहुत पार्टी करने वाली हूँ, मैं अंदर जाते के साथ डांस स्टार्ट कर दूँगी, सो आई एम जस्ट गोना गो इन एंड स्टार्ट डांस। और काफ़ी रिलैक्स आप थोड़ा भी ले रहे होंगे, कुछ फ्री टाइम मिल रहा होगा आपको, कुछ क्या कर रहे हो, कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं आप? हाँ जी, मैं एक्चुअली खुद को एक्सप्लोर कर रही हूँ, मतलब आई एम ट्राइंग टू लर्न एवरी थिंग विच आई कुडंट बिफोर, तो मैं नई नई चीज़ें सीखने की कोशिश कर रही हूँ, खुद की स्किल्स पॉलिश करने की कोशिश कर रही हूँ, आई एम ट्राइंग टू डू एज मच एज आई कैन इन दिस फ्री टाइम, मैं इसको पूरी तरीके से यूटिलाइज करने की कोशिश कर रही हूँ। 2023 की मैं बात करूँ, अपनी करियर का जो ग्राफ एकदम ऊपर गया है, बहुत अच्छा जा रहा है टच। 2024 में एज अ प्रोफेशनल वाइज हाउ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड, इज इट इज देयर एनीथिंग दैट यू वुड लव टू एक्सप्लोर लाइक ओटीटी प्लेटफॉर्म और समथिंग लाइक दैट? मे बी, ऑफ कोर्स नॉट मे बी, डेफिनेटली आई वुड लव टू एक्सप्लोर ओटीटी प्लेटफॉर्म और फिल्म और एनीथिंग। सो आई एम समवन हु व्हेनेवर आई गेट फ्री, मैं सबके लिए ऑडिशंस देती हूँ या सबको अप्रोच करती हूँ, एंड व्हाटएवर आई गेट फर्स्ट एंड व्हाटएवर इंटरेस्ट मी द मोस्ट आई जस्ट टेक दैट अप। सो ओटीटी पर जाना है लेकिन कुछ अच्छा ही काम करना है, सो ऐसा नहीं है कि मुझे बस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जाना है, सो समथिंग गुड व्हेनेवर इट हैपेंस। थैंक यू। अभी तो मेरा शो ख़त्म होकर ही जस्ट एक महीना हुआ है, तो मैं थोड़ा सा नॉट रियली, मतलब अभी तक तो नहीं, एज इन सॉन्ग इज़ नॉट समथिंग जो मैं लुकिंग फॉरवर्ड कि मुझे अभी म्यूज़िक वीडियो करनी है, दैट ठीक है वो तो हो ही जाएगी, उसके सिवा मैं कुछ अलग कुछ तो ऐसा करना चाहती हूँ जो मैंने भी कभी नहीं किया हूँ। जस्ट वेटिंग फॉर दैट। थैंक यू। एज अ प्रोफेशनल वाइज आई रियली डोंट नो, जितनी मेहनत मैंने 2023 में की है उससे ज़्यादा मेहनत मैं 2024 में करूँगा। दैट्स माई मोटो एंड दैट्स माई रेजोल्यूशन फॉर 2024। एंड हाउ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड दिस पार्टी, आज की शाम कैसे होने वाली है? दिस शाम इज गोइंग टू बी एवरग्रीन एंड इट्स गोइंग टू बी लाइक ब्लास्टिंग ऑल ओवर द कॉर्नर्स, एंड टू बी ऑनेस्ट मैं 4 या 5 महीने के बाद मैं किसी पार्टी में अटेंड हुआ हूँ बिकॉज ऑफ माई बैक टू बैक शूट्स, एंड यहाँ मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं एंड रियली एक्साइटेड बिकॉज मेरे बहुत सारे दोस्त हैं एंड सारी इंडस्ट्री ऑलमोस्ट यहाँ है। एंड कुछ बताना चाहोगे इमली के बारे में, हाउ इज द शो गोइंग ऑन, अबाउट यू एंड अबाउट द रिस्पांस ऑफ द पीपल? आई थिंक इमली इज गोइंग एवरग्रीन, टचवुड, एंड आई थिंक इसकी मेहनत सिर्फ हमारे वजह से नहीं है, आई थिंक दिस ऑल बिलोंग्स टू माई डायरेक्टर्स एंड माई क्रिएटिव मिसेस गुल खान एंड माई डायरेक्टर आशीष श्रीवास्तव, तो उन्होंने बहुत 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 मेहनत की है एज कम्पेयर टू सीज़न 1 सीज़न 2 एंड अभी सीज़न 3 एंड वी आर इन टॉप 5 नाउ। सो ब्रो हाउ आर यू? पूरी बता दी राम कहानी तुझे। पूछ रहे आर यू डूइंग? आप भी बताइए प्रोफेशनल वाइज किस तरह देख रहे हो 2024? अमेजिंग एक्टर आर हियर दोनों। अमेजिंग एक्टर कौन? ये मैं बोला बहुत अच्छा करेंगे यार, बहुत अच्छा करेंगे यार। मैं तो चाहता हूँ यार मैं और लाइक मी एंड करण वी शुड डू अ प्रोजेक्ट टुगेदर। अरे ऑफ कोर्स यार, इट शुड, इट वुड बी लाइक अमेजिंग। सपोर्ट कर पाएंगे तो अच्छी बात है। डेफिनेटली कर पाएंगे, डेफिनेटली कर पाएंगे। जोक्स अपार्ट, आई वुड लव टू वर्क विद यू, इज अ वेरी टैलेंटेड बॉय, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी रिव्यू दिया। यार सॉरी, मतलब बोथ आर टैलेंटेड एक्टर। थैंक यू सो मच यार, टू टैलेंटेड पावर हाउसेस इन वन प्रोजेक्ट। आपकी स्माइल इतनी टैलेंटेड है, सच अ फ्रेंडली। बर्थडे भी आज है। वाह, हैप्पी बर्थडे ब्रो। हैप्पी बर्थडे। बर्थडे क्या बर्थडे तेरा? नहीं है, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी, ओह माय गॉड। नहीं है, लो मजाक कर रहे हैं। अरे ये क्या हो गया? मजाक कर रहे हैं। हैप्पी बर्थडे, क्या बर्थडे? हैप्पी बर्थडे, विश हिम प्लीज हिज बर्थडे। हैप्पी बर्थडे एली। किसका बर्थडे बे? इनका बर्थडे है। ओरे बर्थडे बर्थडे मेरे लाल, मेरे दुलारे। नहीं है बर्थडे, जान तो मेरी जान है बेटा, यही है इतना। पर इसको उठा ना, बर्थडे बॉय। बर्थडे है कि नहीं? नहीं है, ये लोग मजाक कर रहे हैं। अच्छा, टैगो इसको नीचे, मजाक कर रहे हैं। वैसे टाइम पास करते कर दिया तूने।
दोनों भाई एक साथ करेंगे आजा मेरी जाने मन तेरे तेरे स्पाइकी बाल जेल की कसम इधर आजा हाँ ही आजा आजा तू आजा इधर आजा मेरे लाल मुझे भी ठीक है हॉट बॉय को बीच में रहने देते हैं इसका हाथ डालते हैं हाँ डाल लो डाल लो डाल लो यार क्या कर रहे हैं क्या बात है क्या क्या बात है क्या बात है हैप्पी बर्थडे यार पार्टी कितनी होने वाली है आज कुछ अगर आप बता सके क्या होने वाली है पार्टी तो पार्टी करने तो आए हम लोग वो भी आज क्या वेडनेसडे नाइट है सो वी नीडेड अ गुड प्लेस टू गो पार्टी एंड आई एम ग्लैड IMW हैज हैड अ ग्रेट गैदरिंग फॉर अस ये IMW बस ने हमको बोला हुआ है कि यहां फ्री का खाना मिलेगा जूस मिलेगा जिनको जूस वी जस्ट वांट टू गेट बज्ड विद सम गुड क्राउड गुड फ्रेंड्स गुड पीपल यहाँ पे फ्री का खाना है तो सब लोग आए हैं फ्री के खाने के लिए फ्री के जूस के लिए आया होगा समझे तो जितने भी लोग हैं अपने बिल्डिंग में भाभियाँ जो हैं अंकल हैं सबको लेके आओ कभी रुकेगा ही नहीं है ओके हैप्पी बर्थडे IWM बस आई विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे 10 इयर्स यस इनफैक्ट हम लोग बड़े होकर IWM बस की तरह बनना चाहते हैं 10 साल बट ग्रेट वर्क They've done a fabulous job. Well, they've come out really well, man. Great stuff. Absolutely. और बहुत से लोग IWM बस का नाम टैटू भी करना चाहते हैं अपने फोरहेड में चेस्ट में टांगों में क्योंकि इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है लव यू ऑल ज्यादा साल भी पड़े तो पता नहीं एक टांगों से ऊपर हैप्पी न्यू ईयर क्या बात सर सर आ जा जा भाई तेरा बर्थडे क्या सच्चे नहीं सब टाइम पास कर रहे हैं या वेट बड़ी धमाकेदार पार्टी होने वाली है आप देख ही सकते हैं कैसे धमाके मच रहे हैं बाहर सो सारे पुराने दोस्त मिलने वाले हैं और बहुत ज़्यादा मज़े करने वाले लोग वेट कर रहे हैं आप वेल मैं तो वेट कर रहा हूँ कि आप लोग कब बताएंगे मुझे बिकॉज यूजुअली यू गाइज ओनली ब्रेक द न्यूज दैट आई एम डूइंग दिस सो आई एम जस्ट वेटिंग व्हेन यू गाइज आर गोना गिव मी दैट न्यूज ऑफ कोर्स एक चीज़ तो करनी ही करनी है कि हर महीने और ज़्यादा बेहतर काम और ज़्यादा क्रिएटिव चीज़ें होनी चाहिए आई एम रेडी फॉर खतरों के खिलाड़ी आई एम रेडी फॉर झलक दैट्स इट Thank you, man. Thank you, guys. तैयारी करने की जरूरत होती है क्या पार्टी के लिए तो ऑलवेज रेडी रहते हैं ना पार्टी के लिए पार्टी के लिए कौन सी तैयारी चाहिए अच्छे कपड़े पहनो मेकअप लगाओ तैयार होके आ जाओ बस अच्छे देखो पार्टी करो एंजॉय करो घर चलो एग्जैक्टली साल एक होने जा रहा है कुछ नए साल के लिए कुछ आप बताना चाहिए कुछ नए एक्सप्लोर क्या करना चाहिए अभी मैं बहुत टेम्पटेशन से 1.5 महीना एक्सप्लोर करके ही आई हूँ और एक्सप्लोर करके मुझे निखिल मेहता मिले हैं तो और एक्सप्लोर नहीं करना है नहीं मैं पहले काम को लेके आई एम जस्ट जोकिंग काम को लेके जैसे जैसे अभी काम के कॉल्स आ रहे हैं उस हिसाब से विल सी कि क्या बेस्ट है मेरे लिए इनके लिए सो विल सी एक रियलिटी शो हो चुका है अगला रियलिटी शो के लिए तैयार है 100% या बिग बॉस 100% तैयार हूँ स्टार्स लाइन तो बिल्कुल देखते हैं आगे क्या होता है पहला शो किया है मैंने पहला शो था सो आगे जाके देखते हैं क्या होता है थैंक यू सो मच इन ऐसे छोटे छोटे मौके ढूंढ के हम रिफ्रेश हो जाते हैं
Yes, our show has recently completed 100 episodes कल ही और बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे. So I'm very happy and thank you everybody इसको support करने के लिए. Thank you. पहले visuals कर लेते ना एक बार. एक्साइटेड हूँ और मैं बस चाहती हूँ कि मैं और बाकी सारे लोग खुश रहें और सबकी हेल्थ अच्छी हो. उससे ज़्यादा क्या ही मांगना चाहिए किसी को भी. और हर साल